सभी दर्शकों को बजरंग सिंह शेखावत का नमस्कार। खबर चौमुख क्षेत्र से। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा उदयपुरिया द्वारा आज ग्राम अंतपुरा में स्थित बोमिया जी मंदिर परिसर में किसान पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश कुमार शर्मा क्षेत्रीय प्रबंधक अलवर से पधारे। कार्यक्रम के तहत किसानों को बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतपुरा चिमनपुरा सरपंच बद्री सिसोटिया ने की। कार्यक्रम में ग्राम इटावा बोबजी लोरवाड़ा गोविंदपुरा बासड़ी के सरपंच एवं GSS लोरवाड़ा अध्यक्ष कमल सिंह नाथावत उदयपुरिया पूर्व सरपंच राम स्वरूप उपस्थित रहे। इस अवसर पर SGR की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थानीय बैंक कर्मी कैला चंद्र ने कार्यक्रम को मैनेज किया। वह अंत में शाखा प्रबंधक आशीष शर्मा ने आए हुए सभी मेहमानों का आभार प्रकट किया। चौमू से हमारे सहयोगी बोहनी सिंह नाथावत की ये रिपोर्ट। बिल्कुल आपने सही कहा, किसानों के बीच में जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो किसान कार्ड है। और किसान कार्ड के अलावा अभी तक दूसरे प्रोडक्ट को हम उतना पॉपुलर नहीं कर पाए, तो जो उद्देश्य था वो ये भी साथ में था, शामिल था कि KCC के अलावा हम किसानों को अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट्स उनको या तो अभी तक मालूम नहीं है या मालूम है तो अभी तक यूज़ नहीं कर रहे, किसानों की इनकम डबल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें किसानों के लिए बनाई हैं। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी भी अपनी स्कीमें बनाई हैं ताकि किसानों को किसान कार्ड के अलावा भी दूसरी स्कीमों को फ़ायदा मिल सके। उसमें हम लोग वेयर हाउसिंग के लिए भी लोन देते हैं, जिसमें वो अपना किसान जितना भी पैदा करता है उस टाइम पे अपने वेयर हाउस के अंदर रख सकता है और रेट अच्छी आने के बाद सेल कर सकता है। कोल्ड स्टोरेज के लिए हम लोग फंडिंग करते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी कैपिटल सब्सिडी है और कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ बैंक लोन और मिनिमम मार्जिन के साथ में वो अपना कंट्रीब्यूशन लगा के कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब होती है उनको अपन रख सकते हैं और जब टाइम आने पर उसको बेचेंगे तो डेफिनेटली किसान